दोस्तों, आज की कहानी हाथी और दर्जी की कहानी है और ये कहानी जंगली परिवेश एवं इंसानी परिवेश पर आधारित है। एक हाथी की भावनाओं को ना समझकर एक दर्जी उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है एवं नैतिक है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुने। तो फिर आइए सुनते हैं हाथी और दर्जी की ये कहानी। दोस्तों, सालों पहले एक गांव रत्नापुर में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास अपना एक खुद का हाथी था, जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर में लेकर जाता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए रोजाना तालाब में लेकर जाता था। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर जरूर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। दोस्तों, ये सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका, तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ। उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ मैं एक सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई जोर से चुबा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर जोर से चिंघाड़ते हुए करहने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा कीचड़ भर लिया था। दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, बल्कि उसकी दुकान के सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इस सबसे दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था, उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग कर गया। उसने हाथी से माफी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया है। मैंने जो कल किया था, उसका नतीजा यही होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ ध्यान से देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए, मस्ती में चलते हुए वहां से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा
लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान लिया था कि वो किसी को भी मजाक में भी कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, कहानी से सीख, दर्जी और हाथी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह हाथी और दर्जी की हिंदी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एवं अपने दोस्तों को शेयर अवश्य ही करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बेल आइकन को भी अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।